Good morning, students. Today we will cover some new topics and parts of chapter number 6, Administrative System and Architecture during the Medieval Age. So in the previous video, we ended our video on this number 1 topic, and now we'll cover second topic, literature. So students, उस वक्त राजपूत एज के ज़माने में मिडिवल पीरियड में कौन सा लिटरेचर था और या फिर क्या कौन सा लिटरेचर लिखा गया, यहाँ पर हम जानते हैं. ड्यूरिंग द राजपूत एज देर वॉज लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग्स एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड. स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स. यानी कि उस वक्त शासन कर रहे राजाओं ने काफ़ी महत्व दिया पढ़ाई लिखाई और लिटरेचर एजुकेशन को. और राजपूत एज में बहुत सी धार्मिक किताबें लिखी गईं. मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा. बहुत सारी जो लिटरेरी वर्क्स यानी कि जो रिलीजियस किताबें लिखी गई थी व धार्मिक किताबें, वो जो लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, संस्कृत, प्राकृत उस वक्त एक कॉमन लैंग्वेज था, जैसे आज हिंदी है वैसे प्राकृत उस वक्त एक कॉमन लिपि थी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा. द ग्रेट संस्कृत पोइट माघ कंपोज्ड द एपिक शिशुपाल वध. दिस एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण. यानी कि एक जो संस्कृत पे बहुत ही ज्ञानी एक पोइट थे, लेखक थे, मग करके, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक कंपोज यानी कि एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कविता लिखी थी, शिशुपाल वध. द एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण. ये जो एपिक यानी कि जो लेख था, ये डिस्क्राइब करता था कैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया. सिमिलरली अनदर पोइट श्रीहर्ष रोट द एपिक नय शादा चरित्र विच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नाल एंड दमयंती. ये एक और एक स्टोरी एक पोइट लिखा था पोइट ने, जो स्टोरी थी नाल और दमयंती की. इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण वर प्रेजेंटेड इन लिरिकल मैनर. इवन जो हम आज राधा और गोपी इसके बीच की जो भगवान श्री कृष्ण के लिए गाए हुए भजन थे, वो भी इस वक्त एक बहुत ही लिरिकल मैनर में यानी कि एक बहुत ही स्टोरी टाइप में लिखे जा रहे थे. द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वर आल्सो कंपोज्ड इन अ पोएटिक मैनर. बहुत सी बायोग्राफीज और अचीवमेंट्स जो कि राजाओं की थी, वो लिखी जा रही थी एक पोयम के मैनर में. फिर हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरित्र बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग्स ऑफ गुजरात. कुमारपाल ओके. तो एक और हेमचंद्राचार्य थे, उन्होंने लिखा कुमारपाल चरित्र. तो जो बेस था सोलंकी किंग गुजरात का, कुमारपाल गुजरात के कुमारपाल एक किंग थे उस वक्त सोलंकीज के, उनके ऊपर कुमारपाल चरित्र लिखा था उन्होंने. एंड अ ग्रामर बुक सिद्धम शब्दानुशासन एज अ टाइटल इंडिकेट्स द नेम ऑफ किंग शुद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस बुक. दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेशन इन पठान. तो ये सब स्टूडेंट्स थे कुछ बुक्स. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम. भावभूति रोड उत्तम चरित्र वाइल पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन पंचतंत्र. आइदर योर स्कूल और नेबर लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक्स कंटेनिंग कलेक्शंस ऑफ स्टोरी और फोक टेल्स. लेट अस नाउ डू अ रिडली एक्टिविटी. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये पोइट एंड ऑथर का नाम, यहाँ भी वही सेम, और यहाँ पर काम यानी कि उनका वर्क यानी कि कौन सी उन्होंने किताब या फिर साहित्य उन्होंने क्या लिखा वो. तो विशाख दत्ता ने लिखा था मुद्रा शासक. कलहार ने लिखा था राजतरंगिनी. बिलहाल ने लिखा था विक्रमादेव चांत. फिर सोमदेवा ने लिखा था कथा चरित्र सागर. चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो. मेरुतुंगा ने लिखा था प्रबोध चिंतामणि.
फिर है आर्किटेक्चर। अमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द राजपूत एज, टेंपल कंस्ट्रक्शन इज नोटवर्दी। आर्किटेक्चर राजपूत एज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज टेंपल कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही नोटवर्दी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उस वक्त एक कला थी। द राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स, यानी कि राजपूतों को बहुत ही मतलब भव्य और कलाकार, मतलब बहुत सी कलाकृतियों और बहुत ही नए तरीके के मंदिर या फिर उनके मोन्यूमेंट्स बनाने का शौक था। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल फोर्ट्स प्लेस पैलेसेस लेक्स एक्सेट्रा। और ये अब हम वो सब जानते कैसे हैं, ये सब आते हैं क्योंकि ये हम जानते हैं बिकॉज द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम, उस वक्त का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है वो आज भी हम देखते हैं, बहुत से टेम्पल्स फोर्ट्स और पैलेसेस लेक्स ये सब देखते हैं, जो कि ये प्रूव करते हैं कि वो काफ़ी इनोवेटिव और आर्टिस्टिक थे। अमंग द टेम्पल्स खजुराहो, ये देखो खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है और खजुराहो ये एक और टेम्पल है मध्य प्रदेश में, ये दोनों बताती हैं कि उस वक्त कितने लोग आर्टिस्टिक होते होंगे। आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टूडेंट्स सन टेम्पल यानी कि कोणार्क में एक पुरी से 200-250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर शायद एक टेम्पल है सन टेम्पल कोणार्क में, तो स्टूडेंट्स वो भी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग है जो एक टेम्पल है बनाई है राजपूत के टाइम पे। स्टूडेंट्स मैं कोणार्क टेम्पल पर्सनली जाके आया था, मैं टूर करने गया था तो मैंने देखा था। एक्चुअली ये सब बहुत ही जगह टेम्पल एंड कोणार्क टेम्पल मैंने देखा है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्टिक एक टेम्पल्स हैं और बहुत ही अपने अंदर एक इतिहास, बहुत बड़े इतिहास को सजोए हुए हैं। स्टूडेंट्स आपको भी विजिट करना चाहिए, आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। देन वी हैव द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फिनेंस एंड दैट वॉज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्राइवन बाय 7 हॉर्सेस। कोणार्क टेम्पल को सूर्य मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जैसे सूर्य देव की एक हमने फोटो, अगर आपने कभी देखी हो सूर्य देव की, तो वो 7 हॉर्सेस पर राइड करते हुए दिखते हैं, तो उसी तरीके से कोणार्क टेम्पल में भी 7 हॉर्सेस के लिए एक मतलब चैरियट यानी कि एक रथ बनाया गया था रथ की तरह, और उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापना की हुई है। स्टूडेंट्स ये है इसका पूरा, इसलिए इसे कोणार्क टेम्पल को इसीलिए कहा जाता है सन टेम्पल क्योंकि वहाँ पर सूर्य देव की पूजा होती है। अमंग द अदर सन टेम्पल्स ऑफ इंडिया मार्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड मुंधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। फिर हम कश्मीर में सन टेम्पल इन कश्मीर, मोरथंड का टेम्पल इन कश्मीर एंड मोधेरा सन टेम्पल इन गुजरात, ये भी बहुत ही फेमस है। अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मोधेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल। मोधेरा टेम्पल जो गुजरात में है, इसकी खासियत ये है स्टूडेंट्स की जो पहला सूर्य का किरण है वो पहले जाता है अंदर मूर्ति, जो उस टेम्पल में मूर्ति है सबसे पहले वहाँ जाती है सन की रेज पहले, फिर पूरे शहर में दिखती है। द एलोरा केव्स ऑफ द डेक्कन हैव केव्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजन्स, हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म। एलोरा केव जो है डेक्कन में, वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है 3 धर्मों को, हिंदुइज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वन अमंग दिस इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल, और उनमें से एक है बहुत ही बड़ा भव्य कैलाश टेम्पल। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3 फेस स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा। फिर एक केव है मुंबई के पास में एलिफेंटा केव्स, वहाँ पर 3 फेस्ड यानी कि 3 फेस वाले कुछ स्कल्पचर हैं जो लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव का एक ऐसी मूर्ति है जिसमें 3 फेस है उसमें। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया। अगेन स्टूडेंट्स मैं मदुरई भी विजिट कर चुका हूँ, मैंने मीनाक्षी टेम्पल अपनी आँखों से देखा है, अगेन वो भी एक बहुत ही भव्य सुंदर और बहुत ही अच्छा टेम्पल है। स्टूडेंट्स आई विल अगेन सजेस्ट यू कि आप भी जाइए और ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। महालक्ष्मी टेम्पल जिसे हम कहते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुरई में है, आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, ये भी बहुत ही हिस्ट्री को सजोए हुए एक बहुत ही पुरानी एक टेम्पल है जो बहुत ही खूबसूरती से और आर्टिस्टिक वे में बनाई गई है। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर दर इम्पोजिंग गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स। स्टूडेंट्स इन
साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर्स हैं, जो एंशियंट मंदिर्स हैं, उनमें गोपुरम का एक बहुत ही अहम महत्व है। गोपुरम क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। गोपुरम एक्चुअली चार गोपुरम होते हैं मंदिर में। एक होता है नॉर्थ में, एक का फेस होता है नॉर्थ की तरफ, दूसरा का साउथ, तीसरे का ईस्ट और चौथे का वेस्ट। इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये गोपुरम का मतलब होता है मंदिर में जाने के लिए एक गेट है ये। ओके, तो गोपुरम पुराने आर्किटेक्चर में इम्पोर्टेंस इसलिए था क्योंकि ताकि लोग चारों तरफ से उन्हें दिशा मालूम पड़ सके, कौन सी दिशा से आना वो आ रहे हैं, दिशा का मालूम पड़े, उसके लिए गोपुरम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये था साउथ इंडियन टेम्पल में। ओके, आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रेट ग्रैंड टेम्पल्स, मैनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम। द मैग्निफाइड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मैनी टाइम। और जब हमारे मंदिरों के बारे में ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतना महत्व की इन्फॉर्मेशन जब बाहर हमारे देश से बाहर गया, तो बाहर के जो लोग थे फॉरेनर्स ने, उन लोगों ने हम पर हमला किया ताकि वो हमारे मंदिरों को लूट सके और बर्बाद कर सके। हमारे सोमनाथ टेम्पल को कितने बार तोड़ा गया और उसे अटैक किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी पॉइंट पर रुकेंगे और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट पेज। टिल देन थैंक यू।